वैसा गाइस, आई होप यू आर वेल। आई यू वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर, और आप लोगों ने फील भी की होगी, मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ। बोला गया जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत, इनके लिए आप लोगों को टाइम ही ना मिले। अपने आप को इतना बिजी करके रखिए, और जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। रीजन क्या है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो खाली बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो जो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उनको देख के थोड़ा चिढ़ेगा कि यार वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। कोई अगर हेल्दी पर्सन होगा उसको देखकर चिढ़ेगा, यार मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूं, वो एक्सरसाइज करके कितना फिट हुआ है। ठीक है, किसी के पास में ज्यादा एक तरीके से दौलत वगैरह होगी या अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होगा, उसको देखकर चिढ़ेगा। तो ये इंसान जो है हमेशा अपना माइंड जो है भटकाता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पूरे दिन में क्या करना है, आप लोगों ने पूरा फिक्स शेड्यूल कर रखा है और उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी भी आप लोगों को ये सारी चीज जो है ना, पछतावा, डर, दुखी, नफरत, इनसे आप लोग कोसों दूर आप लोग नजर आएंगे और अपने काम पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। और देखिए यार, जिस तरीके से एक एक ईंट जोड़ने से एक मकान बन जाता है, उसी तरीके से आप लोगों की जिंदगी में एक एक दिन जो होता है वो एक एक ईंट का काम करता है। तो एक भी दिन को बेकार मत जाने दीजिए, हर एक दिन को ढंग से यूटिलाइज कीजिए। और उसका सबसे सही तरीका यह है कि अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि पहले दिन जब आप लोग बेड पर जाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, तो अगले दिन का प्लान कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे आप लोग क्या क्या करना है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर रहे। क्योंकि सुबह को जब आप लोग उठते हैं तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहती है, अच्छा ये काम करना है मुझे। लेकिन अगर आप सुबह को ही पता चला सोच रहे हैं अच्छा क्या करें यार, आज क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को सुबह को उठने का भी मन नहीं करेगा क्योंकि प्लान ही नहीं है माइंड में। तो सारे काम अगर प्लान से करेंगे, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ में करेंगे, तो जिंदगी में आप लोगों को एक सही मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा कभी भी इन सब चीजों से दूर रहना है, तो अपने आप को बिजी कर दीजिए। मेरे लिए तो यार बहुत ये बेनिफिशियल रहता है, जब भी मेरा दिमाग खराब होता है किसी चीज को लेकर, मैं ना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपना, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कमेंट पढ़नी स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के कमेंट। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार ना मुझे खुद को मोटिवेट कर देते हैं, कई सारी मोटिवेशनल कोड आप लोग पोस्ट करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है यहाँ पर, देखिए जो लाइव जो डिस्कशन चलता है उसमें कई सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि अच्छी चीजें डिस्कस की जाए, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें ये लगता है कि वो मतलब नहीं कुछ भी इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग ये चीजें कर सकते हैं, तो एक पढ़ने का माहौल आप लोग और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा अगर प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। यानी कि मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, उसको अपनी जिंदगी को कंट्रोल मत करने दीजिए। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर राइटिंग में भी आप लोग प्रीलिम्स से क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग आप लोग कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चलिए जिंदगी में, ही तो है बस चीजें। बाकी अगर मुझे लगेगा कोई ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है तो मैं उसको ब्लॉक भी करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने के मूड में, कुछ ऐसे उनको डिस्टर्ब करने के मूड में, तो ऐसा कुछ भी अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो अपना कोशिश कीजिए कि पढ़ाई का माहौल बना के रखिए, एग्जाम भी पास में आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो छोटा सा एक बेसिकली मशवरा आप लोग बोल सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से, हालांकि डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, मैं बात की जा रही है यहां पर आई फैमिलिया के बारे में, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इंटरपोल के द्वारा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और जिसको पता है कि यहां किसके द्वारा लॉन्च किया गया था वो ये भी बताइएगा कि किस चीज से रिलेटेड है ये, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस किया था नैनो मैगजीन वाली वीडियो में, ठीक है। तो ढंग से बताइएगा इसके बारे में, तो आप लोगों और रिविजन भी हो जाएगा आप लोगों का। बाकी आइए चलते हैं और ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर का, जिससे आप लोग कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ये जो फेक वेबसाइट से रिलेटेड है। देखिए कई सारे बच्चे जो हैं एग्जाम, जैसे कि कोई फॉर्म निकला तो फॉर्म निकलने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरने चले जाते हैं। कोशिश ये करनी है, अगर जैसे यूपीएससी का फॉर्म निकला तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, बैंक का फॉर्म निकला तो पर्टिकुलर आईबीपीएस की वेबसाइट पर आप लोग जाइए, एसएससी का फॉर्म निकला तो एसएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। ये नहीं कि किसी भी फेक वेबसाइट पर जाकर आप लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इवन मैंने कल एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई थी, कमेंट बॉक्स के नीचे भी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं जिसमें पैसे ठगने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं लोगों से। अभी यहां पर देखिए इन महाजन के द्वारा क्या किया गया, एग्जाम से रिलेटेड यहां पर एक फेक वेबसाइट बनाई और वहां पर 10 रुपए पे करने के लिए बोला गया, ओनली 10 रुपीज कि आप 10 रुपए यहां पर पे कर दो। जैसे ही 10 रुपए पे किए अकाउंट से 5000 रुपए गायब हो गए।
आप लोग क्या करते हैं वहां पर जाकर पूरा आप लोग अपना एटीएम नंबर डालते हैं, उसमें सीवीसी वगैरह आप लोग पूरा डालते हैं, सारी डिटेल उनके पास में चली जाती है। तो ये एटीएम नंबर हो गया, सीवीसी हो गया, आप लोग ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाके दें जिसको आप लोग को पता है हाँ ये जो इंसान है ये एक रेप्यूटेड इंसान है, यानी यूपीएससी हो गया जैसे, ठीक है। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वहां पर आप लोग बिना झिझक अपनी सीवीसी वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। एसएससी की वेबसाइट होगी, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, या फिर आप लोग को लगता है कोई ऐसा ऑथेंटिक जो लोग हैं जिनको आप लोग जानते हैं कि इनके खिलाफ केस भी कह सकता है अगर कोई हरकतें हैं, आप लोग फेक वेबसाइट पर जाकर अगर ऐसी हरकतें करेंगे अकाउंट से फिर पैसे गायब हो जाएंगे तो फिर बोलते हैं ये क्या हो गया। गलती तो एक तरीके से आप लोगों के द्वारा ही की गई है ना कहीं ना कहीं तरीके से। तो यहां पर ये क्या है, एक तरीके से चीट कर रहा था लोगों को उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए। तो बोला कि मैं तुमको जॉब प्रोवाइड कराऊंगा, 10 रुपए पे करने एक वेबसाइट पर जाकर। तो लोग सोचते हैं 10 रुपए में क्या जा रहा है, अब ये नहीं पता है कि उस 10 रुपए के पीछे चूना क्या लगने वाला है। तो ये यहां पर आप लोग इस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा डिजिटल चीजें हो रही हैं उतनी ही ज्यादा डिजिटल फ्रॉड आप लोगों को नजर आएंगे। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनसे कैसे आप लोगों को बचना है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप लोग दूसरों को भी अवेयर किया कीजिए। जैसे कि मान लीजिए डेली ये वीडियो जो है लगभग 40,000 के करीब लोग देख रहे हैं, 40 से 45 भी हो जा रहे हैं। तो अगर सोचिए 3-3 लोगों को भी अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो कितने सारे लोग अवेयर हो जाएंगे। तो 3-3, 4-4 जो भी लोग आप लोगों के पास में इनको जरूर आप लोग शेयर कीजिए। और इवन अगर कुछ लिखने के लिए आप लोगों से लिए यहां पर आता है डिजिटल मीडिया के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, तो आप लोग वहां पर भी यूज कर सकते हैं कि ये काफी बड़ा चैलेंज हो गया आज के डेट में कि लोग जो है उस चीज को लेकर अवेयर नहीं है। एथिकल भी ये इशू आ सकता है कि हाँ सोसाइटी में आज के डेट में डिजिटल मीडिया तो कितना ज्यादा पेनिट्रेट होता जा रहा है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया लोग यूज कर रहे हैं, पर लेकिन डिजिटल मीडिया का अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है लोग डिजिटल मीडिया को लेकर। बस हाँ फोन आ गया और चीजें हाथ में है तो बस कुछ भी खोल के बैठ जा रहे हैं। और इवन बहुत बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री में जो सेलिब्रिटी है यार ये गेम आ रहे आज के में सट्टा लगाने वाले, ऑनलाइन गेम देखने को मिलेंगे सट्टा लगाने वाले। मुझे सोचकर भी हैरानी होती है, मतलब हमारे जो आज के डेट में सो कॉल्ड आप लोगों जो सेलिब्रिटी जिनको आप लोग बोल रहे हैं वो सट्टा लगाने वाली चीजों के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जाकर वहां पर गेम खेलो, ठीक है, जिसमें रिस्क हो सकता है उनका खुद के पैसे लूज करने का, मतलब ढंग की चीजें नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताऊं जैसे स्टडी लवर वीर @gmail.com है उस पर ना होने में भी डेली 5-7 ऐसे मेल आते हैं कि हमारे ये ऐप का प्रचार कर दो, ठीक है, जिससे कि लोग जो है वो ऐप जाकर खरीद रहे हैं और वहां पर जो है उनका बेसिकली वो उसके यहां पर पैसे अड़प सके। तो एक बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के ऐप आते हैं जिसके जिसके जो सब्सक्राइबर चैनल पे 4-5 लाख से ऊपर होंगे या 6-7 लाख से ऊपर होंगे उस पर आप लोग ऐसे मेल दुनिया भर के आएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मुझे कहते हैं कि ठीक है सर आपको ओनली 3 सेकंड बोलना है और हम आपको कोई 50,000 रुपए दे रहा है, कोई 60,000 रुपए दे रहा है, मुझे क्या करना है 3 सेकंड के लिए बोल के निकल जाना है, 50,000 रुपए मेरी पॉकेट में 1 मिनट के अंदर में। पर लेकिन उन 50,000 रुपए के चक्कर में कितने सारे लोगों को मैं यहां पर एक तरीके से उनके चक्कर में डाल रहा हूं, तो वो वाली सोचने वाली बात है। तो इसीलिए यहां पर जो भी चीजें आप लोगों को दिखे कोई सेलिब्रिटी भी है पैसे कमाने के चक्कर में अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को भी एक बार चेक कर लेना है कि आप लोग वहां पर उसके झांसे में न आ जाए। तो एक काफी बड़ा मुद्दा है आज के में सोसाइटी में जो पैसे से ऊपर किसी चीज को नहीं समझा जा रहा है। तो ये चीजें हैं कुछ आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करना है। आगे चलते हैं, यहां पर ये ऐसी भी चीजें सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं आज के डेट में आप लोगों को, ये फैमिली से रिलेटेड इशू आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं एक तरीके से। एक पर्टिकुलर पर्सन है 76 ईयर ओल्ड, उनके द्वारा फैमिली इशू के चलते अपनी वाइफ का गला काट दिया गया। ये यहां पर 76 साल की एज, एक पैर कबर में दूसरा केले के छिलके पर, कुछ दिनों और निकल जाते अपने आप ही, कुछ दिनों और रुक जाते अपने आप ही निकल जाते। तो यहां पर इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो गुस्सा जो सोसाइटी में अभी देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ऐसी हरकतें सामने निकल कर आ रही है जिसके चलते ये चीजें हैं। दूसरा, आज की डेट में अगर मान लीजिए आप लोगों को देखने को मिलेगा चोरी की जो कंडीशन देखने को मिल रही है कई जगह, लोगों की हत्याएं हो रही है। रीजन क्या है इसका, लोगों के पास में जॉब तो है नहीं है, जो भी इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा कर रहे थे। तो उसके चलते अभी यहां पर देखिए 19 ईयर ओल्ड यूथ के द्वारा क्या किया गया, यहां पर अभी एक माइनर बेसिकली किडनैप कर लिया गया एक बच्चा। तो अगर आप लोग घर पे कहीं आसपास कहीं आप लोग हैं तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। ऐसी भी चीजें काफी लार्ज स्केल पर ऐसे भी केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ अवेयरनेस के पॉइंट थे जो आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरी हैं, जो एग्जाम में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। सोसाइटी में जब ऐसी कुरीतियां देखने को मिलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल आ जाता है यहां पर, तो लोगों को अवेयर करना ही एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। एथिक्स में ही अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पर्टिकुलर एरिया में ऐसे इशू बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बच्चा चोरी के इशू, ठीक है, फिर ये मोब लिंचिंग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे केस हम लोगों ने देखे थे कि बच्चा चोरी की चले से मोब लिंचिंग के भी केस निकल कर आए, लोगों ने मिलकर मारा कई सारे लोगों को। तो ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग हैं वहां पर किसी एरिया में, आप लोग एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग एसपी हैं या फिर आप लोग एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में, तो कैसे चीजों को कंट्रोल करेंगे, तो लोगों को अवेयर कराना, एजुकेट करना लोगों को, सोशल मीडिया की हेल्प से अवेयरनेस फैलाना। तो इस तरीके से जो आसपास वाले एरिया में जो भी आप लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
उनके थ्रू चीजों को लेकर चलना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग, जो भी आप लोग को बताता हूं, ये सारे अगर आप लोग माइंड ओपन कर सुनेंगे तो एग्जाम में, आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, हर जगह आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। सोसाइटी का टॉपिक है बकायदा आप लोग, अगर आप लोग सिलेबस के अंदर जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों से वहां पर आप लोग उनको काउंट कर सकते हैं। और अब अगर आप लोग लाइव इस तरीके के उदाहरण आप लोग दोगे जो कि लेटेस्ट होंगे, तो एग्जामिनर को पता रहेगा हाँ चीजें जो है अप टू द डेट है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, दलित कम्युनिटी की किसी पर्टिकुलर पर्सन की जान ले ली, तो आप लोग उसका उदाहरण अगर आप लोग रखोगे माइंड में, उसको मेंशन करोगे अगर आंसर राइटिंग में कहीं आ रहा है कि हाँ ऐसी सोसाइटी में चीज देखने को मिलती है, तो आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर डेल्टा जो यहां पर प्लस वेरिएंट आ गया, जैसे नहीं कि आईफोन प्लस आ गया, ठीक है, तो आइए इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ प्लस वर्जन जो आता है उसका एक्स्ट्रा वर्जन होता है। तो डेल्टा जो था हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस था यहां पर B16172, अभी यहां पर इसका प्लस वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिला है, इसको AY1 भी बोला जा रहा है और इसी तरीके से AY2 भी यहां पर आ रहा है, यानी कि नए नए वर्जन अभी यहां पर निकल कर आ रहे हैं वायरस के। और ये बोला जा रहा है यहां पर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया, अभी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर आ चुका है, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर फैल रहा है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिसको बोलते हैं INSACOG, इसको बोलते हैं इंडियन सार्स कोव 2 ये जीनोमिक कंसोर्टियम, यानी कि एक तरीके से ये ग्रुप है, यहां पर अगर कोई ऐसा वेरिएंट अगर आ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि यार हमारी कंट्री में ऐसा कोई नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है तो उसके बारे में क्या काम किया जाए। तो इसके बारे में स्टडी कर इसको यहां पर जो इंटरनेशनल लेवल पर चीजें शेयर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कैसे कैसे वेरिएंट अभी फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा माइंड में तो फिर आप लोग इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर नॉन यूपीएससी एग्जाम में भी प्रीलिम्स में आप लोगों से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेगा इसके बारे में, अच्छा ये काम करती है, कौन कौन सा वेरिएंट है, ठीक है। गुपकर अलायंस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, जो गुपकर अलायंस है ये अभी यहां पर 24th of June यानी कि कल के दिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिलेंगे और देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे लेकर आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहां पर ये है कि उसको फिर से स्टेट का दर्जा दिलाने की बात ये कर रहे हैं। दूसरा यहां पर आर्टिकल 370 और 35A जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तीसरा जो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो संविधान है यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर का जो उसको अलग से एक पावर देता था तो वो संविधान को फिर से यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात करता है गुपकर अलायंस। तो इसमें से कितनी चीजें मानी जाएंगी और क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी ये बात करने के बाद पता चलेगा, इलेक्शन कैसे करने हैं उसके बारे में पता चलेगा, फिलहाल के टाइम पर ये यूनियन टेरिटरी है क्या स्टेट बनाया जाएगा तो वो बाद में पता चलेगा। तो जो भी बातें होंगी इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएंगे, समझेंगे हम लोग उसमें फिर डिटेल में क्या क्या चीजें हैं उनको अच्छे से जानेंगे। बाकी यहां पर ये राष्ट्रीय मंच जो थी ये बनाने की बात की जा रही थी अपोजिशन के द्वारा इकट्ठा होगा, पर लेकिन इनकी जो शान है वो फीकी पड़ गई क्योंकि मैक्सिमम जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसको स्किप कर दिया, लग नहीं रहा इसके अंदर कुछ दम है, तो इसलिए यहां पर काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। ये एक छोटी सी पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर किसी के भी आप लोग कुछ भी चीजें पोस्ट करते हैं और उससे लगता है कि उस इंसान की रेपुटेशन अगर एक तरीके से खतरे में आ रही है तो आप लोगों के ऊपर मानहानि का केस लग सकता है और उस मानहानि के केस में आप लोगों को यहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के एच देवगौड़ा साहब जो हैं उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का यहां पर अभी एक मानहानि का केस चल रहा था यहां पर, जिसके चलते यहां पर वो जो है केस जीत गए सामने वाली कंपनी, तो उनके चलते यहां पर इनको अब 2 करोड़ रुपए पे करने की बात की जा रही है। तो यहां पर नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज जो है इसके ऊपर इनके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी, 2011 का केस है, तो 2021 में यहां पर यानी कि पूरे 10 साल हो गए यहां पर, अब यहां पर 2 करोड़ रुपए पे किए जाएंगे या फिर आगे केस पहुंचेगा वो देखने की बात है। पर हां ये बात मैं आप लोगों से यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है सोशल मीडिया पर हम लोग कई सारी उल्टी सीधी चीजें शेयर करते हैं, अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में किसी को बदनाम करने के चक्कर में आ जाते हैं, पता चला वो चीज वायरल हो गई और वो रियलिटी में बदनाम हो गया और उसने वो गलती की नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से थोड़ा बचिए। किसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारी YouTube पर वीडियो रहती हैं किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो व्यू बटोरने के लिए थंबनेल लगा देंगे उल्टा सीधा कि हाँ ये कर रहा है, फिर आगे बोलेंगे अंदर जाकर कि नहीं ऐसी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो की जाती हैं ये गलत तरीके की हरकतें हैं, इनसे थोड़ा बचकर रहिए वरना पता चला कोई अगर गुस्से में आ गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें। बाकी अफगानिस्तान के मुद्दे के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो यहां पर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो काफी ज्यादा कोहराम मचा रखा है और यहां पर यूएस से बाहर निकलने की बात करें तो अभी हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा ये बोला गया कि यार आज की डेट में अगर आप लोग सोच रहे हैं तालिबान के चलते वहां पर शांति हो सकती है तो अब तक तो शांति हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में झड़प चल रही है तो आगे कैसे शांति होगी। तो यूएन का जो यहां पर यूएन असिस्टेंट मिशन इन जो अफगानिस्तान है उसमें लाइव डिस्कशन यहां पर चला था कि यूएसए और तालिबान की जो बातें चल रही है उससे कोई डिसोल्यूशन निकल नहीं रहा है, तालिबान कॉन्टिन्यूसली यहां पर काफी सारी बुरी हरकतें कर रहे हैं। अभी तालिबान के द्वारा क्या किया गया, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो मेन जो
पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, बॉर्डर का क्रॉसिंग का, उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इवन यहां पर हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसका सोल्यूशन ये तो नहीं है जो यहां पर यूएसए कर कोशिश कर रहे हैं ऐसे निकला जाए। तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब के द्वारा यह बोला गया कि यूनाइटेड नेशन जो है उसको यहां पर लीडिंग रोल लेना चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर ये काफी बड़ा मुद्दा अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये लगता था कि यहां पर शांति बन जाएगी, कुछ यहां पर चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी, पर लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर। ये तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, आगे भी आप लोग एडिटोरियल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग डेली डिस्कशन सुन रहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो काफी लार्ज स्केल पर मैं कवर कर चुका हूं और बहुत बार उनको रिपीट भी कर चुका हूं। तो अगर एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आ जाएगा ना, अब आप लोगों की कलम रुकेगी नहीं, इतना तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने थोड़ी भी चीजें ध्यान से सुनी होगी और थोड़ा सा रिविजन और कर लिया होगा। तो ये सारी चीजें रिपीटेडली चलती हैं, न्यूज़पेपर सुनने का ये तो फायदा रहता है, तो अच्छे से आप लोग इसको लाइफ का पार्ट बनाकर चल सकते हैं। बाकी यहां पर बात की जा रही है पूर्वाचल खादर, एक तो पर्टिकुलर ये पर्सनैलिटी, और दूसरी यहां पर जिनका नाम है, इनका नाम है परसाला बी पोनमली, ठीक है। तो यहां पर ये दो पर्सनैलिटी है जो हमारे बीच में नहीं रही अभी रिसेंटली। तो यहां पर ये जो पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर पूर्वाचल कादर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में COVID-19 के चलते अभी रिसेंटली ये हमारे बीच में नहीं है। तो यहाँ पर मलयालम सिनेमा से यहाँ पर ये कनेक्टेड थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में अगर पूछा जाए कहीं तो थोड़ा याद रखिएगा, कई सारी इनसे रिलेटेड जो इनकी क्रिएशन है उसके बारे में बता रखा है। बाकी यहाँ पर इनको तो पद्म श्री भी मिला हुआ है, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो कर्नाटिक म्यूजिक से यहाँ पर ये रिलेटेड थी। तो इस तरीके से कई सारी आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे की मैच करने के लिए। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात बोली गई है, अखिल गोगोई को क्लियरेंस दे दिया गया है यूएपीए के अंदर। अभी आप लोगों से मैं एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा यहां पर देशद्रोह के बारे में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर एनआईएन के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा यहां पर ये इसको उनको पकड़ा गया था। तो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसमें चेंज भी किए गए, यहां पर पावर दी गई एनआईए को, वो एक अलग बात है। पर लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें बहुत सारे लोगों को यहां पर पकड़ा गया इन सब एक्ट के थ्रू। तो यहां पर अभी सारे रिहा हो रहे हैं आराम से जब केस निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी लापरवाही से इसको सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या ये चीजें इस तरीके से अलाउ करनी चाहिए कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी ना करें अगर गवर्नमेंट कुछ बोल रही है तो, ठीक है। तो उसी के बारे में एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, आप समझेंगे उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। टीआरपी का जो केस था यहां पर, जो यहां पर अर्णब गोस्वामी साहब हैं उनका नाम चार्जशीट के अंडर डाला गया है। टीआरपी का बेसिकली पर्पज ये होता है कि अगर टीआरपी अच्छी होती है, जैसे कपिल शर्मा का शो है, ठीक है, तो टीआरपी काफी अच्छी है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग यहां पर उसको देख रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर एडवर्टीजमेंट अच्छे खासे आएंगे उसके चैनल पर, और जिस पर एडवर्टीजमेंट अच्छे खासे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका रिवेन्यू जो है काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन्हें प्रचार करते रहते हैं मोबाइल का या फिर कोई, तो वो उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं वहां पर उन चीजों को करने के, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ना, मेरे पास में मेल आते हैं कि हमारी इसका प्रचार कर दो, इस तरीके की चीजें जो आती है, तो उनसे क्या होता है वो उनका प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए मैंने प्रचार कर दिया और उनका प्रोडक्ट मान लीजिए 2000 लोगों ने भी खरीद लिया, ठीक है, तो उनका जो 50,000 रुपए तो कोई मतलब का ही नहीं रहा, दुनिया भर का प्रॉफिट उनको हो गया। तो इसी तरीके से यहां पर ये एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही थी, रोनाल्डो की, उसने क्या किया, उसके सामने जो था कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटाकर वहां पर पानी को कह दिया कि पानी पिया करो। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं नॉर्मली, अगर उसने इस शब्द को बोलने से जो यहां पर कोल्ड ड्रिंक की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया, तो हमारी कंट्री में कोई ऐसा नहीं करता। हमारी कंट्री में तो ठंडा मतलब कोका कोला, हमारी कंट्री में तो माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है वो बोलते हैं। तो ये समझ में आप लोगों को आना चाहिए कि लोग जो है पैसा कमाने के लिए हरकतें कर रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद कर और अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। उनमें से कोई भी इंसान आप लोगों को पीता हुआ नहीं मिलेगा ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो बस एक घूंट भरता है और मुझे लगता है उसका भी कुल्ला कर देते होंगे बाद में, जैसी हरकतें की जाती हैं आज के में। पर हाँ ये है कि उसी काम को करने के उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, पर लोगों की हेल्थ के ऊपर कैंपेन पड़ रहा है उस चीज को भूल जा रहे हैं। तो गलत चीजें हैं यार ये, पर लेकिन फिर भी क्या करें इनके बारे में, बहुत कम ऐसे लोग हैं एथिकल जो यहां पर इन चीजों को मना करते हैं। नॉर्मली आप लोग सोसाइटी में देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर हमारी कंट्री में आसाम के एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर रबर बोर्ड जो रिसर्च है उसके द्वारा यहां पर ये काम किया गया है। तो केरला के अंदर जो यहां पर रबर जो यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम आप लोगों को दे देंगे और बोलेंगे बताइए कहां पर लोकेटेड है। तो रबर इंस्टीट्यूट जो है हमारी कंट्री में इंडिया का जो यहां पर कहां पर है, केरला बेस है। तो इसके द्वारा ये रबर की नई प्रजाति बनाई गई है। नॉर्मली जो रबर है वो अमेजन के फॉरेस्ट में आप लोगों को नेचुरली देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए ऐसा माहौल नहीं है। पर लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जब ये क्रॉप लगाई जाएगी तो इसके अंदर चेंजेस किए गए ताकि हमारी कंट्री के एरिया में भी उगाई जा सके। हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य जो है, एरिया जो है,
रबर के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडिया में सबसे ज्यादा जो रबर रबर प्रोड्यूस की जाती है हमारी कंट्री में वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब यहां पर मैं वर्ड नॉर्थ ईस्ट यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया, जैसे सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, हो गया तो इतने सारे हो गए तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेंगे यहां पर जो इंस्टीट्यूट बताया, और अमेजन वाला एरिया सबसे ज्यादा ये चीजें करता है, ठीक है। अभी यहां पर आप लोगों ने देखा कई सारी चीजें, इनमें से जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर जो निकलकर सामने आई वो किसके बारे में थी, वो थी कि यहां पर वैक्सीन यहां पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो उसी के चलते अभी G7 की मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बताइए तो जरा G7 की मीटिंग कहां पर हुई थी, मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा था और डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो G7 की जो मीटिंग है उस G7 की मीटिंग के चलते यहां पर USA के द्वारा बोला गया था कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर लगभग 500 मिलियन के करीब जो दवाइयां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो एक तो बात इनके द्वारा बोली गई कोवैक्स के थ्रू यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, ठीक है, याद रखिएगा COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। तो इसका बेसिक पर्पज ये कि उन कंट्री को दवाई प्रोवाइड कराना जहां पर कंट्री काफी गरीब है तो वो हेल्प करना। तो इनके द्वारा एक टारगेट लगाया गया कैसे कैसे ये लोगों को दवाई प्रोवाइड कराएंगे, तो उसका एक खाका तैयार इनके द्वारा ये किया गया है। तो जो अमीर कंट्री है वो हेल्प कर रही है उन कंट्री को दवाई प्रोवाइड कराने में जो कंट्री की बेसिकली हालत नहीं है दवाइयां खरीदने में। तो 500 मिलियन बोला गया था यहां पर USA के द्वारा, UK के द्वारा 100 मिलियन बोला गया G7 की मीटिंग जो भी देखने को मिली थी। G7 की कौन से नंबर की मीटिंग थी ये भी बताइए जरा, और किसके द्वारा इसको चेयर किया गया। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बोलो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। USA के द्वारा अभी यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो ईरान के अंदर जो भी इलेक्शन हुए तो उसके चलते ईरान को एक्यूज किया जा रहा है यहां पर कि इंटरफेरेंस देखने को मिला, इलेक्शन जो इनको लग रहा है सही तरीके से नहीं हुआ। तो USA और ईरान के बीच में आने वाले टाइम में झड़प आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान के अंदर जो पावर आया चुनकर वो काफी ज्यादा कट्टरपंथी टाइप की कैटेगरी है, ठीक है। जो हसन रूहानी साहब थे वो तो बहुत मॉडरेट टाइप के थे, हाँ अच्छा कर लेते हैं चीजों को मिलकर आगे लेकर चलते हैं, पर लेकिन ये थोड़ा सा इनको टाइट लगने वाली है चीजें। अभी कैसे टाइट लगेंगी तो आगे देखने को मिलेगा, अभी यहां पर देखते हैं। अभी एक छोटी सी न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है हमारी कंट्री में, ये यहां पर कार्लोक जालन, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में जेट जो पर्टिकुलर आप लोगों ने नाम सुना होगा काफी लंबे समय से जेट एयरवेज है वो काम नहीं कर रही थी लगभग 2 साल से, तो 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। तो NCLT इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। तो इसके द्वारा अभी यहां पर अलाउ कर दिया गया चीजों को आगे रिवाइव करने के लिए। तो इनके द्वारा NCLT के द्वारा गवर्नमेंट से बोला गया कि जो एयरपोर्ट स्लॉट है वो यहां पर प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है, लगभग 90 डेज के अंदर अंदर स्टार्ट किया जाए चीजों को, और 1200 जो करोड़ रुपए हैं इनके द्वारा जो ड्यू है वो आने वाले 5 साल में आराम आराम से पे किया जाएगा। तो जिसके चलते जो जेट एयरवेज है वो फिर से मार्केट में आप लोगों को नजर आएगा। तो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, पैसे न होने की वजह से यहां पर खस्ता हालत हो गई थी, ठीक है। तो ये इस तरीके कंडीशन है, मान लीजिए आप लोगों ने बहुत बड़ा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, आप लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया और सारी चीजें आप लोगों ने खरीद ली, मशीन वगैरह सब कुछ खरीद कर लेकर आकर रख रही, पर लेकिन आप लोग उससे प्रॉफिट ही नहीं बना पाए जरा सभी, तो वो सारी मशीनें पता चला उधार ले रखी है, तो फिर ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो बिजनेस टफ हो गया, तो इस तरह बैंक से लोन भी ले रखा था वो भी उधारी का नहीं गया, तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो यहां पर अभी ऐसी कुछ खस्ता हालत हो गई थी यहां पर जेट एयरवेज की, तो उसको इंप्रूव कर चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में थी इंफॉर्मेशन। आइए अब एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे, और कल जो था आप लोगों का एक एडिटोरियल बच गया था मजे में, इतना मजे में आ गया पढ़ाने में, मुझे पता ही नहीं चला एक एडिटोरियल और बचा हुआ है। फिर मैंने बाद में पीपीटी देखी, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो एक एडिटोरियल बच गया, चलिए उसको भी कवर करेंगे। कई सारे एडिटोरियल आज दवाई के बारे में है, तो दवाइयों वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि दवाई के बारे में आप लोगों को पता ही क्या क्या चल रहा है देश के अंदर, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसे आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। बाकी एक एडिटोरियल जो कल का बचा हुआ है अगर टाइम परमिट करेगा तो उसको भी मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं एक एक एडिटोरियल के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहां पर बेसिकली जो आज के दिन में बात करें इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 124 है उसके बारे में बात कर रहे हैं, देशद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी लक्षद्वीप का ऐसा कि केस देखने को मिला, इस जो पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूं तो मैं इसका वेट कर रहा था, मैंने कहा इसके ऊपर बात नहीं की गई, तो आप लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। हालांकि मुझे पता था आर्टिकल तो जरूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा पर आएगा जरूर, ठीक है। तो ये आर्टिकल आ गया इसके बारे में तो डिस्कस हम लोग यहां पर करेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्या क्या बातें की जा रही है ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये साइड वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल यहां पर और ये आर्टिकल यहां पर, ये आर्टिकल दोनों आर्टिकल आप लोगों को यहां पर बेसिकली कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है सोसाइटी में COVID-19 के नाम पर, और भी कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है, तो उनको कैसे टैकल करना है तो उसके बारे में बात करेंगे दोनों आर्टिकल। तो इनको हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दोनों आर्टिकल कंबाइन कर कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिल जाएगी। ये साइड वाला आर्टिकल जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और इसी के साथ में जो हमारी कंट्री में अभी
आप लोगों को पता है कि इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइन और डिजिटल एथिक जो कोड लाए गए रूल उनके बारे में बात करें, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाए इसके बारे में कि क्या क्या मुद्दा है। ये आर्टिकल बेलारूस के बारे में है, कंप्लीटली हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि बेलारूस में चल क्या रहा है। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा बेलारूस के बारे में, उनके लीडर के बारे में, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, ये ना लगे कि यार ये पता नहीं था ये क्या है। ठीक है, ये साइड में जो आर्टिकल है, अगर आप लोग पेरेंट्स हैं या फिर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको टैकल करने की बात की जा रही है। आज की डेट में देखिए स्कूल वगैरह सब बंद है, तो घर पे बच्चे रहते हैं, तो मम्मी पापा पहले तो सोचते थे कि हाँ बच्चे निकलेंगे बाहर तो अपना थोड़ा शांति रहेगी घर में, पर लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सब घर पे हैं, मतलब सारे टोटली घर पे हैं कोविड 19 के चलते, तो उसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। पर लेकिन इसी बीच में कई सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बातें की गई है। जैसे कि आप लोगों को बताऊं, कई सारे बच्चे जो हैं, एक तो स्लीप रूटीन उनका चेंज हो गया है, सोने का रूटीन चेंज हो गया, ठीक है, एक तरीके से अच्छी नींद नहीं आ पा रही है, डिप्रेशन का एंजाइटी डर उनके माइंड में रहता है, कि कई सारे बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। यार जिंदगी में सीरियस होना चाहिए, पर इतना भी सीरियस ना हो कि वो एक तरीके से आईसीयू में पहुंच जाए इंसान, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि यार टेंशन लेना और ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ना कभी फायदा नहीं पहुंचाती है। जिंदगी में खुश रहोगे, मौज मस्त में रहोगे तो सारे काम करके ले जाओगे, पर लेकिन फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इरिटेशन में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन में आने लगूं, कई सारे तो ऐसे मेल आते हैं देखकर मुझे इरिटेशन होने लगती है, मतलब इतनी दुख भरे मेल यार रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं मेल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे काम पड़ जाते हैं अभी इधर उधर, तो इसके चलते कुछ मेल अभी बचे हुए हैं बहुत सारे, तो ये भी चक्कर रहता है। पर लेकिन टेंशन इतनी है लोगों को, आधे तो बिना बात की टेंशन लिए बैठे हैं, ठीक है, कि सर एग्जाम कब होगा। अरे होगा जब हो जाएगा यार, आप पढ़ते रहिए, एग्जाम का क्या करना है, वो तो जब होगा सबका होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, कई सारे और पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आदत तो यही रीजन है कि अपने आप में टेंशन बनाए रखते हैं, तो लोगों को अपने आप को शांत रखना आना चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी है। पर छोटे बच्चों को भी ये सारी चीजें हम लोगों को गाइड करनी पड़ेगी, उनके खाने का ध्यान रखिए, उनके सोने का ध्यान रखिए, अपने आप को साफ रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, घर में क्या क्या कंडीशन चल रही है, घर में पता चला माँ बाप ही आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे माहौल बनेगा बच्चों के लिए, तो उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं अगर घर में बच्चे हैं तो, हालांकि बातें मैंने बताई थी क्या बोला गया वो सारी बातें, ये बातें यहां पर क्या बोल रहा है ये वाला डिटेल में आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूं। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कुछ आप लोग मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि हमारी सोसाइटी में हिंदुत्व जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि जो दलित है और जो मुस्लिम है, दलित और मुस्लिम जो है वो अगर एक साथ मिलकर भी आ जाएं एक तरीके से सेक्युलरिज्म को रिस्टोर करने के लिए, कि हमारी कंट्री में धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, तो भी यहां पर वो नहीं कर पाएंगे जब तक अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा इनके द्वारा क्यों बोला गया? अभी हमारी कंट्री में एक कमेटी थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, सच्चर कमेटी का नाम याद रखिएगा। सच्चर कमेटी जो थी हमारी कंट्री में, ये 2006 में हमारी कंट्री में बेसिकली एक कमेटी बनाएगी कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारी कंट्री में है उनकी हालत कैसी है। तो ये बताया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी की हालत ऐसी है हमारी कंट्री में कि जो दलित कम्युनिटी है उससे भी नीचे उनकी हालत खराब हो चुकी है। यानी कि मुस्लिम हैव बीन, ये बोला गया कि मुस्लिम हैव बिकम द इंडिया न्यू दलित, यानी कि मुस्लिम जो है वो नए दलित बन चुके हैं। दलित क्यों बोला जा रहा है यहां पर? बेसिकली ये बोला जाता है कि काफी एक ऐसी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है जिसके पास में रिसोर्सेज अच्छे खासे नहीं है, एजुकेशन अच्छी खासी नहीं है, प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा जॉब भी उनको देखने को नहीं मिलती है। काफी लंबे समय से अगर हिस्ट्री में उठाकर देखेंगे तो सप्रेस किया गया उनको अपर कास्ट के द्वारा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो वो कंडीशन आज के डेट में मुस्लिम कम्युनिटी की हमारी सोसाइटी में होती नजर आ रही है। इसके चलते अगर बोला जा रहा है टोटल मुस्लिम और दलित की संख्या अगर आप लोग देखेंगे हमारी सोसाइटी में, तो याद रखिएगा बोला जा रहा है कि 14.2% के करीब हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है और 16% के करीब जो है ये बेसिकली दलित की है। तो टोटल मिलाकर अगर इनको आप लोग ऐड करोगे तो 30% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं, अभी नया कोई डेटा अभी सामने आएगा तो 2021 का सेंसस आएगा उसके बाद में चीजें चेंज होगी। तो ये जो पॉपुलेशन है अभी हमारी कंट्री में ये बहुत दयनीय कंडीशन में रह रही है और आज के डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ जाएगी। कई बार आप लोगों ने कई सारे आर्टिकल देखे होंगे, एक ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करें, शाहरुख खान हो गए, सानिया मिर्जा होगी और बहुत सारे स्टार के नाम आप लोग गिना सकते हो, पर लेकिन दलित कम्युनिटी में नॉर्मली बहुत कम इस तरीके से एक उन्हें कहते हैं कि लीडर सामने आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनका नाम लेकर हाँ बोल सके कि हाँ आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हो। तो वो संख्या तो है पर लेकिन कम है, जिस लेवल पर होनी चाहिए उस लेवल पर देखने को नहीं मिलती है। और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये रहा है, हमेशा जो दलित कम्युनिटी के द्वारा जो काम किया गया अच्छे से उसका जो श्रेय लिया गया है वो अपर कास्ट के द्वारा ज्यादा ले लिया गया है,
इसके चलते ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सारा जो चीजें हैं, अभी खासकर अगर बात करें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, बोला गया कि 9/11 का जो अटैक हुआ उसके चलते पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से देखा गया जैसे कि सारे मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बन जाता है देश के अंदर में। तो अगर आप लोगों को आज की डेट में चाहना है देश के अंदर सेक्युलरिज्म बना रहे, तो आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर भी कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट हिंदू थी वो उनकी आर्मी में और ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों ने देखा होगा हमेशा किसी न किसी पोस्ट पर रहते थे, पर लेकिन लोअर कास्ट को हमेशा अलग थलग फेंक दिया जाता था। आज की डेट में अगर अपने देश को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है तो अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सारे मुद्दे साइड में रखने पड़ेंगे और मिलकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि कास्ट का डिवीजन नहीं होना चाहिए देश के अंदर में, सबको मिलकर साथ में चलना है। ये यहां पर बोला गया बेसिकली कार्टून, तो कार्टून ये इंटरेस्टिंग है यहां पर। ये COVID-19 की न्यूज पहला चैनल खोला, फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं दूसरा चैनल खोला, तीसरे चैनल पर इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये सारे चैनल जो है पसंद नहीं आए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा आ गया, हाँ ये अपने काम का है। तो देखिए पैर जो है वो पैरों के ऊपर आ गए इनके और हाथ जो है सर के पीछे चला गया। हाँ इस चैनल को देखते हैं, चैनल अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अपना जो बेसिकली ना जो चीजें हम लोगों ने की है यहाँ पर वो हमारे कंट्रोल में है कंप्लीटली और उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से कार्टून में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो 40 से 50 शब्द में आप लोग इस कार्टून को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जो भी सोच रहे हैं अपने माइंड में, देखिए माइंड का एप्लीकेशन करना स्टार्ट कीजिए यार। जब तक आप लोग चीजों को सोचोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो लिखोगे नहीं। तो एग्जाम में आप लोगों को चीजें सोचने समझने का ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, इसलिए पहले से ही चीजों को सोचना कोशिश करो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या आंसर दोगे उस चीज का, तो ये पहले से आप लोगों के माइंड में चीजें चलती रहनी चाहिए। हमारे कंट्री में COVID-19 के चलते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के चलते जो वर्कर कम्युनिटी है उनको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर बताए गए हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि बहुत सारे जो वर्कर हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि आज की डेट में हमको वो जो काम है वो बिल्कुल मिलना बंद हो गया है, हमारे पास में कोई भी काम नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि हमारा जो लगभग 34% के लोगों के द्वारा सोच सकते हैं आप लोग, यानी कि एक तरीके से बोला जाए कि 100 लोग में से 34 लोग ये बोल रहे हैं कि उनको उनका जो पुराना ड्यू बचा हुआ है जब लॉकडाउन लगने से पहले अब तक वो उनका पैसा नहीं मिला है, वो अब तक जहां काम करते थे वो वहीं पर ही पड़ा हुआ है, यानी कि उनका काम करने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला है। 15% लोग ये बोल रहे हैं कि उनको मिला तो है पर लेकिन उनको आधा मिला है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके चलते कई सारे जो लोग हैं वो आज के में बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो वही सारी बातें बताई गई हैं। तो यहां पर पेड कितना 25% नॉन पेड यहां पर देखने को मिलेगा, पार्शियली पेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो आप लोग यहां पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या खस्ता हालत हमारे देश में मजदूरों की है, ठीक है। कितने इफेक्ट हुए, कितने नॉट अफेक्टेड, कितने इरेगुलरली अफेक्टेड, यानी कि कुछ ऐसे हैं कि इनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। तो कोविड 19 के चलते बहुत सारे लोग हैं जिनको काम मिलना काफी लार्ज स्केल पर कम हो गया, बहुत सारे ऐसे जिनको फिर से काम मिल गया पर लेकिन उनकी सैलरी जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, लोगों की सेविंग जो है वो भी घटती हुई नजर आ रही है आज की डेट में, क्योंकि रीजन ये हो गया क्योंकि लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कहां से सेविंग कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से एक कार्टून डिस्कस किया था, उस कार्टून में ये बोला गया था कि COVID-19 जो है वो डर रहा है। क्यों डर रहा है? कि यार थर्ड वेव जो आने वाली है क्या वो ताकतवर होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर सारे जो हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं COVID-19 की थर्ड वेव काफी खतरनाक होगी, डिजास्टर क्रिएट कर देगी, काफी स्ट्रांग होगी, थर्ड वेव चल रही है। पर लेकिन COVID-19 खुद ये बोल रहा है कि क्या मैं इतना इंपैक्ट डाल पाऊंगा जितना लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा लोगों की जितना लोग सोच रहे हैं क्या इतना कुछ करके जाऊंगा। तो एक तरीके से यहां पर कटाक्ष साधने की कोशिश की गई कार्टून के द्वारा। हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग डोज लेना चाहते हैं कोविन का, तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो भी बहुत बड़ी टास्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस ऐप को समझते नहीं है, तो ऐप का जो इंटरफेस है, मान लीजिए जो लोग खटके वाला फोन यूज करते हैं यानी कि बटन वाला फोन, उनको क्या पता ऐप क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फेस रहते हैं, तो उसके चलते प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। सबसे बड़ी जो इंडिटेशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है, जो राइटर ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में इतनी फेक इंफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर कि आप लोग उसको समेट नहीं पाओगे। तो यहां पर अगर थर्ड वेव से आप लोगों को बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो कि अक्टूबर में बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पे कि आप लोगों को जो न्यू वेरिएंट है उसको आप लोगों को चेक करते रहना पड़ेगा कि ये जो वेरिएंट है ये आगे क्या क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। दूसरा, आप लोगों को यहां पर स्पीडली लोगों को दवाई प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिन लोगों को दवाई नहीं मिली है आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में वो लगभग 17% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की ऑल ओवर वर्ल्ड में, पर लेकिन 4% हम अपनी ही कंट्री की पॉपुलेशन में से लोगों को डबल डोज दे पाए, जबकि अगर बात करें कई सारी कंट्री ऐसी है सिंगल सिंगल डोज काफी लार्ज स्केल
सेल पर दे चुके हैं। यूएसए में बात करें तो 53%, यूके में बात करें तो 64%, पर हमारी कंट्री में अब तक ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। अब तक तो इसी के ऊपर रस्साकसी चल रही थी कि 18 से लेकर 24 के बीच में किसको दवाई कौन प्रोवाइड कराएगा, तो उसके चलते अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है, तो वो अभी यहां पर उस लेवल पर चीजें नहीं पहुंची है जिससे हम लोग चीजों को कंट्रोल कर पाए, इससे पहले कि लेट हो जाए ये सारी चीजें हम लोग को इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, जो कि काफी बड़ा मुद्दा अभी सामने निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली जा रही है, आज की डेट में कोविड 19 के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और उस फेक इन्फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा श्रेय जा रहा है यहां पर, तो वो आप लोगों को ऐसी पर्सनैलिटी को देखने को मिलेगा जो लीडर है, जैसे कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है बोलसोनारो, इनके द्वारा बोला गया कि वॉर्न किया गया कि वायरस वैक्सीन आप लोग क्रोकोडाइल बना सकती है, यानी कि इनके द्वारा ये बोला गया कि वायरस जो कोविड 19 की दवाई मत लेना। कई सारे ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है, एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि सर क्या ये यहां पर इंसान को ऐसा भी न्यूज देखने को मिल रही है कि वो इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, यानी कि नपुंसक बना रहे हैं इंसान को कोविड 19 की दवाई देकर। क्या फालतू की इंफॉर्मेशन है यार ये, इनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसी है कि हमारी कंट्री के लीडर जो है वो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब देख लीजिए, वो सारी ऐसी हरकतें करते थे लोगों के सामने, खुद मास्क नहीं लगाएंगे, बोलेंगे कि कोविड 19 थोड़ी ना कुछ है, फिर उनको लगा कोविड 19 हो गया तो फिर बोलते हैं कि हाँ फर्क तो पड़ता है भाई। पुराने टाइम में याद होगा आप लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि सीट बेल्ट नहीं लगानी है, हेलमेट नहीं लगाना है, एक्सीडेंट हो गया मर गया, तस्वीर में लगकर दीवार पे चिपक गया, फिर दीवार में से बोलता है कि यार ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, सीट बेल्ट वगैरह लगानी चाहिए, फर्क पड़ता है। पहले बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, फिर बोलता है फर्क पड़ता है। तो जब तक इंसान की जिंदगी में खुद ऐसी हरकतें ना हो जाए तब तक उसको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं है, पर जब हो जाते हैं तब समझ में आता है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है हमारी कंट्री में, जो एक फेक यूनिवर्सिटी बन चुकी है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर फेक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप से 100 कोस दूर रहना चाहिए आप लोगों को अगर आज की डेट में बात करें। दूसरे और ऐप यूज कर लीजिए, ये तो इतना बड़ा हब बन चुका है यहां पर कि हर तीसरी फेक न्यूज आप लोगों को व्हाट्सएप पे नजर आएगी। 73% लोग जो है वो स्मार्ट एक्सेस कर पा रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो कोरोना वायरस के जो भी यहां पर मिस इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम आप लोगों को व्हाट्सएप पे देखने को मिलेगी। नाक में नींबू डाल लो, नींबू का रस डाल लो, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। गाय के मूत्र से नहा लो, गोबर शरीर पर लगा लो, देखा नहीं था वो पिक्चर मैंने दिखाई थी, वो वायरल हो गई थी पिक्चर की, पूरे शरीर पर गाय का गोबर लगा रखा है और बोला गया कि अब कोरोना नहीं लगेगा, ठीक है। कोरोना बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। गोबर कहां घुसेगा जाकर। इसी के साथ में गाय का मूत्र के बारे में बात की, अरे गाय का मूत्र हो सकता है किसी और चीज के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचा दे, पर लेकिन एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रही अभी, गाय का मूत्र वहां पर फायदा पहुंचाएगा, गाय को भी नहीं पता होगा उसका मूत्र इतने कमाल का हो गया। तो ये लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा फैलाई जा रही है, कुछ तो हमारे लीडर ही लगे हुए हैं। अभी एक चीज देखिए, इसके बारे में भी आर्टिकल में बात की गई है, कोरोनिल दवाई बनाएगी रामदेव साहब के द्वारा। कौन खड़े इनके साथ में इसका प्रचार करने के लिए, ये खड़े हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ये खड़े हमारे रोड मिनिस्टर। तो ये जो दवाई है इसमें हमारी कंट्री में जो आईएमए जब सामने निकल के आया, उसने आईएमए ने बोला कि भाई साहब ये करके आ रहे हो आप लोग, ये मिनिस्टर जो है उनको भी बोला कि ये दवाई किस तरीके से बेस पर प्रचार कर रहे हो, तो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फॉल्स दवाई है, क्योंकि इसका जो परमिशन लिया गया था ये जो कोरोनिल का, वो बोला गया था इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कि ये इम्यूनिटी को बूस्टर करेगी। यार इम्यूनिटी तो आप लोगों की बूस्टर वो भी कर देगी अगर आप लोग डेली का मॉर्निंग में प्रॉपर में अगर अच्छा खासा डाइट अच्छा खासा आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रॉपर नींद ले लेते हैं, वो सारी दवाई भी। तो मैं बोलने लगूं एक वीडियो बनाऊं, उसमें एक वीडियो को बोलो और ये वीडियो जो है पेड है, इस वीडियो का प्राइस है 5000 और कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं उसमें कि पानी पियो अच्छे से और आप लोग ना खाना अच्छे से खाओ, एक प्रॉपर नींद लो, तो आप लोगों का कोरोना ठीक हो जाएगा, है ना फालतू की बात। यार ये तो नॉर्मली इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर इसको क्लियरेंस दिलाया गया इस दवाई को कि हां ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, और बाद में मार्केट में प्रचार किया जा रहा है कि कोरोना को ठीक करेगी। कोरोना को ठीक और इम्यूनिटी बूस्टर दोनों अलग अलग चीजें, उनको कंबाइन मत करो, ठीक है। कुछ ऐसी जब इम्यूनिटी जब बेकार हो चुकी है शरीर के अंदर में, कोरोना कब्जा जमा चुका है, आप ये दवाई देते रहना उसको, क्या कर लेगी यहां पर वाकर उस टाइम पर, जबकि कोरोना से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो इस दवाई के चलते जब यहां पर सामने आ गई चीजें निकल गया, तो तब यहां पर चीजों को रोका गया। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ऐसी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो लीडर है वो कई सारे ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन यहां पर फैला देते हैं, जिसके चलते कंडीशन देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम तो बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट के लीडर हैं, उनके द्वारा ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जान गई, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जब हमारी कंट्री में खुद आईएमए आकर ये बोल रहा है कि कोरोनिल जो है ये अभी प्रॉपर वे में एक तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है यहां पर, ये आप लोग इसको ऐसे शेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम मिनिस्टर को तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए यहां पर, वो भी हेल्थ मिनिस्टर को, तो वो ऐसी बातें यहां पर बोलेगी। तो फेक इन्फॉर्मेशन काफी लार्ज स्केल पर यहां पर देखने को मिली। अगर सोशल मीडिया के थ्रू बात करें, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, अभी
आप लोगों से बात की। दूसरे सोशल मीडिया टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक इनके थ्रू लगभग 60% के करीब जो लोग अपनी न्यूज उनको मिलती है यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। इसके ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं होता है, जिसको जो मन करता है वो पोस्ट कर देता है और फिर लोग जो है उसको शेयर करते रहते हैं। जो भी चीजें शेयर करनी है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से शेयर करनी है, ऐसे नहीं कुछ भी शेयर कर रहे हैं। तो ये दिक्कत काफी लार्ज स्केल पर यहां पर देखने को मिल रही है। तो काफी सारी ऐसी गलत चीजें सोसाइटी में चल रही है जिनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। तो कौन इनके बारे में सोचेगा कि हाँ ये चीजें, खासकर जो लीडर हैं जिनको सबसे पहले इनके बारे में सोचना चाहिए, वो लीडर खुद इनके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस हाँ कर दिया, ऐसा कुछ हो गया तो फिर उसके बारे में शांति बैठ गया साइड में जाकर। तो ये कैसे काम चलेगा, यानी कैसे कैसे चलेगा भैया? आप लोग यहां पर देखिए, पेंडेमिक के बारे में अवेयरनेस फैलाने की अगर बात करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में जब बात की जा रही है, 54% ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कोविड-19 के बारे में मिलती है उनको, यानी कि कोविड-19 के चलते इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है कि लोग जो है उससे इरिटेट हो जा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये किस तरीके से करें, यहां पर कई सारे न्यूज चैनल है ट्रस्ट बिल्ड भी कर पा रहे हैं, पर लेकिन कई सारे न्यूज पेपर है ट्रस्ट जो है कंप्लीटली यहां पर गवा चुके हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आज की डेट में कोई चैनल आप लोग खोलिएगा तो उस पर कोविड-19 की न्यूज मिलेगी लगातार। अब उसमें कई सारी तो ऐसी फेक न्यूज को बस्ट करने की कोशिश की जाती है, वो अच्छा काम है कि आप फेक न्यूज को जो चल रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन मैक्सिमम अगर कोई व्हाट्सएप पे चीजें शेयर कर रहा है तो उसको जाकर कौन चेक करेगा? तो ये सारी चीजें जो है काफी गलत तरीके से सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल रही है, जिनके बारे में बातें करनी चाहिए पर कोई बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल डिस्कस किया गया इसमें, यहाँ पर कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। तो ये मैंने आप लोगों को पीपीटी की हेल्प से यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि हाँ क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन कोई मिली तो कहां से मिली? आप लोगों को देखना था कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था Pangea 14 के बारे में, 1,00,000 से ज्यादा वेबसाइट ऐसी एक्टिव है जहां पर फेक दवाइयां बेची जा रही है कोविड-19 के नाम पर, क्योंकि पता है लोगों के अंदर पैनिक है तो पैनिक में लोगों का फायदा उठा लिया जाए। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दो आर्टिकल थे यहां पर कंबाइन एक साथ में जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में और कोई वैक्सीन के बारे में। आगे चलते हैं, यहां पर ये जो आर्टिकल नेक्स्ट वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा लक्षद्वीप के बारे में। अब इस आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है, ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। नॉर्मली हालांकि चीजें जो है बैकग्राउंड कुछ और है और फिर यहां पर बताई जो चीजें जा रही है वो आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है यहां पर, इनका नाम जो है, इनका नाम है आशिया, इनका नाम है आयशा सुल्ताना। तो आयशा सुल्ताना जो है ये एक फिल्म मेकर है लक्षद्वीप वाले एरिया में। तो अभी इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। देशद्रोह का चार्ज क्यों लगाया गया, यहां पर इनके द्वारा कई सारी ऐसी बातें बोलेगी जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ मैं सही कह रहा हूं, इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें बोल देगी। उसमें से एक शब्द इनके द्वारा यूज किया गया वो है बायो वेपन। बायो वेपन क्या होता है, नॉर्मली कोई भी इस तरीके का, जैसे कोरोना वायरस हो गया, कई सारे लोग ये बोले कोरोना वायरस जो है वो चाइना का बायो वेपन है, पर लेकिन इनके द्वारा ये बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा बायो वेपन यूज किया गया है लक्षद्वीप को बर्बाद करने के लिए। रीजन क्या था कि लक्षद्वीप जो है 2020 में वहां पर कोरोना वायरस के कोई ज्यादा केस थे नहीं, ठीक है, पर लेकिन अभी जो कई सारी जो आने जाने की जो लोगों की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो काफी ढीली कर दी गई है। पहले लोगों को आकर उनको पहले क्वारंटीन होना पड़ता था, वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। तो इसके चलते लक्षद्वीप पर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर अभी काफी सारे लोग जो है कोविड-19 पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, बताइए लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड है अगर आप लोग बात करें यहां पर, ठीक है, 30-40 के बीच में है, बताइए कितने आइलैंड है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में ये बोला गया काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 फैल रहा है। तो इनके द्वारा वर्ड यूज कर लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायो वेपन यहां पर यूज कर लिया गया, जिसके चलते लक्षद्वीप वाले एरिया में काफी सारे जो लोग हैं वो कोविड-19 के चपेट में आ गए। तो ये जो बायो वेपन वर्ड इनके द्वारा यूज किया गया, बाद में चलकर इनके द्वारा ये बायो वेपन के ऊपर सॉरी बोला गया, इनके द्वारा बोला गया जो वर्ड यूज किया गया वो मेरे से गलती से यूज हो गया। उन्हें कहते हैं वो छोटे से बच्चे की वो वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मारो मुझे, मेरी मम्मी को मत बताना। तो इनके द्वारा ये बेसिकली चीज देखने को मिली। तो बायो वेपन जो का रिमार्क इनके द्वारा सॉरी बोला गया, और इनके द्वारा बोला गया कि मैं अब सॉरी बोलती हूं और अपना वर्ड जो है वापस लेती हूं, पर इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब सामने वाले ने बोला और उसने उसको बोल दिया कि सॉरी बोल के उसने सारी चीजें वापस कर ली, तो फिर उस इंसान को पकड़ के बैठ जाना कि हाँ देशद्रोह का चार्ज उसके ऊपर लगा दिया गया। हालांकि इंट्रीम बेल इनको मिल गई है, जो कि केरला हाईकोर्ट से इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको प्री अरेस्ट जो बेल मिल गई है, इनके अरेस्ट होने से पहले इनको बेल मिल गई है। अभी केस आगे सुना जाएगा उसके बारे में, उसके बाद में पता चलेगा। तो कंडीशन क्या है, जो बायो वेपन होता है वो काफी खतरनाक एक ऐसा वेपन होता है, जैसे कि कहीं पर गैस छोड़ दी, ठीक है, काफी खतरनाक एक तरीके से, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर काफी सारे लोग मर जाएंगे। इसी तरीके से कोरोना कहीं पर फैला दिया और इस तरीके से कोई और दूसरा ऐसा कोई बैक्टीरिया फैला दिया, जैसे मूवीज में आप लोगों ने देखा
होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मली गवर्नमेंट है उसके जो ऑफिशियल है सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी अपना पूरा प्रोटेक्शन किए बैठे हुए यहां पर, ठीक है, अपना बंदूक ले बैठे हैं और पूरा अपना सांस के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा सांस के थ्रू, ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं। पर लेकिन नॉर्मल जनता जो है वो यहां पर मारी जाएगी, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से। तो बायो वेपन जो है कई बार कई सारी ये लगता है कई सारी कंट्री बायो वेपन के ऊपर काम कर रही है, तो मिलिट्री फोर्स ये सारी धरी के धरी रह जाएंगी जब बायो वेपन यूज किया जाएगा। आजकल बड़े मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, साइबर क्राइम हो गया, बायो वेपन हो गया, ये इस तरीके की आज की डेट में चीजें आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में बुरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो देशद्रोह के चार्ज के बारे में अगर बात करते हैं आज की डेट में, एक तो होता है देशद्रोह का चार्ज किस किस मुद्दे पर लगाया जा सकता है, उनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि ये पर्टिकुलर मुद्दे अगर है तो देशद्रोह समझ में आता है। पर लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, मान लीजिए कोई करप्शन कर रहा है और करप्शन उसको यहां पर दिखा दिया लाकर कि यार देखो तुम ये करप्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो यहां पर देशद्रोह का चार्ज लगा दे रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है और मीडिया ने दिखा दिया कि तुम गलत करो, जैसे कि कोविड-19 के केस जो है वो ज्यादा आ रहे थे, गवर्नमेंट उसको कम दिखा रही है, तो कई सारे साउथ इंडिया में जो स्टेट के अंदर में जर्नलिस्ट जो है उनको उठा लिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें। गलत इन्फॉर्मेशन तो तुम शेयर कर रहे हो जेल में, तो तुमको डालना चाहिए उठाकर कि पूरे केस कितने हो गए, मर गए कितने लोग, उनके बारे में नहीं बता रहे हो, और जो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो उनको जेल में डाल रहे हो। तो ये केस जो है यहां पर हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसा आता है तो इंडियन पीनल कोड ये 1860 का, इसको भारतीय दंड संहिता आप लोग बोलते हैं, इसके चलते यहां पर ये आईपीसी का जो 124 सेक्शन है ये यहां पर बात करता है। अब ये कहां से निकल कर आते हैं इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, देखिए स्टार्टिंग में अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के देश में यानी कि यूके के अंदर में ये बोला गया था कि गवर्नमेंट को या फिर मोनार्क यानी कि राजा को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई उल्टी सीधी बातें बोलता है, तो उसको आप लोगों को यहां पर इस तरह केस में धर लेना चाहिए ताकि इनकी इज्जत बनी रहे, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में फिर लाया गया यहां पर 1860 में इंडियन पिनल कोड, अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उन्होंने सोचा इंडिया के अंदर लेकर चलते हैं इसको, तो यहां पर 1837 में थॉमस मैकाले जो थे वो लाए, पर उन्होंने यहां पर ये जो था ना ये सेक्शन 124 ये यहां पर डाला ही नहीं इसके अंदर, बोला कि इसके बिना ही काम चल जाएगा। पर लेकिन 10 साल बाद उनको लगने लगा यार यहां तो बहुत सारे आर्टिकल हमारे खिलाफ लेके जा रहे हैं, यार यहां तो जो लोग जो सड़कों पर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सप्रेस करने के लिए कोई हथियार होना चाहिए कानून का, तो कानून को हथियार दे दिया यहां पर, ये सेक्शन 124A ला दिया, ये इंसर्ट कर दिया गया 1870 का जो 1870 में जो 1860 में जो एक्ट आया था ना 10 साल बाद उसमें इंसर्ट कर दिया। अब इसके चलते काम जो किया गया सर जेम्स स्टीवन के द्वारा किया गया, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, इसको देशद्रोह का जो चार्ज लगाया गया आज के में सेक्शन 124 के तहत इंडियन पिनल कोड में ये देशद्रोह का चार्ज आता है। किन किन चीजों को लेकर देशद्रोह लगा सकते हैं, अगर कुछ गलत शब्द आप लोगों ने बोल दिए, कुछ लिखित सिंबल लगाकर आप लोगों ने कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई ऐसी चीजें जिससे एक तरीके से लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन यहां पर आ जाए, लोग के अंदर एक तरीके से नहीं है कि लोग के अंदर रोष आ जाए और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जबकि वो गलत चीज हो वो सही चीज भी ना हो, यानी कि गलत मिसलीड करके लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देना, तो उसके चलते यहां पर ये बेसिकली लॉ लाया गया। तो उसके चलते क्या होगा अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी कि बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सेक्शन 124 बोलता है यहां पर ये। दूसरा 3 साल तक का जेल में डाला जा सकता है, 3 साल तो आप लोगों को नॉर्मली, और लाइफ टाइम भी जेल में सड़ाया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है इसके साथ में जो उनको सुटेबल लगे। गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, देश के अंदर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये खतरनाक जो एक्ट है हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि अभी यूज किया जा रहा है, ये जगदीश चंद्र बोस के खिलाफ यूज किया गया था 1891 में सबसे पहले हमारी कंट्री में, आगे चलकर महात्मा गांधी जी यहां पर इसी के साथ में बाल गंगाधर तिलक जी के खिलाफ भी इसको यूज किया गया, और आज की डेट में हमारी कंट्री में तो दुनिया भर के केस है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 केस डिस्कस किए थे, अभी जो विनोद जो दुआ है उनके खिलाफ केस चला था 2020 से, इसी के साथ में कई सारे जो अभी जो स्टूडेंट थे जेएनयू के उनको छोड़ा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर देशद्रोह के चार्ज लगा दिए गए थे। तो इसके चलते बार बार ये बात आती है कि कैसे आप लोगों को यूज करना चाहिए, तो इसके चलते ये भी बोला जाता है कि इसको हटा देना चाहिए, पर लेकिन इसको वैलिड करार दे दिया गया था कि कुछ ना कुछ रीजन ऐसे बन जाते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है, पर लेकिन एक बैलेंस जो होना चाहिए अभी यहां पर उस तरीके से ये यूज नहीं किया जा रहा, यानी कि ये अगर कोई गवर्नमेंट की गलतियां भी गवर्नमेंट को दिखा रहा है तो भी उसके खिलाफ यहां पर ये जो आर्टिकल है ये यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये जो एक्ट एक गलत माहौल क्रिएट कर रहा है लोगों के अंदर, एक गलत तरीके की भावना क्रिएट कर रहा है, तो ये समझने वाली बात है, तो ये इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की, आइए आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बेसिकली बात की जा रही है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या बेसिकली, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग बोल सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है देश के अंदर में उसको मेंटेन रखने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से कॉम्पिटिशन कम नहीं होना चाहिए। उसके चलते यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को कई बार उदाहरण भी दिए कि जैसे जियो है, जियो मार्केट में आगे बोलने लगे बस मैं ही रहूंगा बाकी सब खत्म कर दूं, ठीक है, तो वो नहीं है। तो फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए और ग्रेटर गुड एक तरीके से यहां पर ग्रेटर गुड एक तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सारी गुड्स और सर्विस जो लोगों को मिले। कॉम्पिटिशन जैसे कि अभी बात करें वॉलमार्ट का और फ्लिपकार्ट को अगर
बात कर लीजिए, ठीक है। तो मार्केट में कॉम्पिटिशन ऐसा होना चाहिए कि दूसरी कंपनी भी यहां पर सर्वाइव करें, ऐसा नहीं कि तुम आकर मिलकर बिल्कुल कॉम्पिटिशन खत्म कर दो, तो अनएथिकल है। जैसे कि गूगल पर अगर कुछ सर्च करते हैं, पता चला गूगल अपने ही प्रोडक्ट दिखा रहा है पहले, ठीक है। अमेजन पर कुछ जा रहे हैं तो अमेजन की जो कंपनी है तो वो वही प्रोडक्ट दिखा रही है वहां पर, जो कि अमेजन को बेसिकली अमेजन की सब्सिडरी है या फिर अमेजन को सपोर्ट करती है। तो हमारी कंट्री में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली आया था 2003 में, ठीक है। ये काम करता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए अगर कोई भी लोग यहां पर आकर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर में आकर इन सब चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहां पर बताई जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम होना चाहिए और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस तरीके से काम करे कि चीजें जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, बेसिकली आप लोगों को दो लीडर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों आप लोग बोल सकते हैं कि लंगोटिया यार है। आज की डेट में जो यहां पर यूरोप के अंदर में एक अकेला ऐसा लोता इंसान बचा हुआ है जिसको अगर बोला जाए, ये इंसान जो है प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर, इनका नाम है लुकाशेंको, ठीक है। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है यहां पर ये बिल्कुल आज की डेट में अकेला यूरोप के अंदर अकेला डिक्टेटर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कहां पर है ये, बेलारूस के अंदर है। तो बेलारूस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये पोलैंड हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, यहां इस्टोनिया हो गया, लिथविया हो गया, लिथानिया हो गया और यहां पर बाल्टिक्स हो गया। तो याद रखिएगा यहां पर आसपास का मैप जरूर। तो ये जो इंसान है पर्टिकुलर, ये हमेशा इस पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में रखता है, कुछ भी अगर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं तो यहां पर फिर यहां पर ये उसको बेसिकली इलेक्शन जो है यहां पर ये लगभग 27 साल से यहां पर ये रूल कर रहा है बेलारूस के अंदर में। तो यहां पर देखने को मिलेगा कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी काम करता है। अभी एक फ्लाइट हाईजैक होगी तो उसके चलते यहां पर इसके द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई जिसके चलते इसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर फ्लाइट को लेकर। एक कोई जर्नलिस्ट थे इनके खिलाफ, उन्होंने कुछ लिख दिया, उस फ्लाइट में जा रहे तो बंदे ने पूरी फ्लाइट ही रुकवा ली समझ रहे हैं, पावर का मिसयूज करना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो है नहीं, खैर यहां पर बोल नहीं सकते, पर लेकिन फिर भी जो भी है वो अप टू द मार्क चीजें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर इसके अंदर बोली जा रही है। बेलारूस के बारे में पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। तो यहां पर एक आर्टिकल आप लोगों का रह गया, चलिए देखता हूं कल परसों जब भी लगेगा उस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है, मैंने आप लोगों से पूछा था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके बारे में। हालांकि देखिए आप लोगों ने कई सारी जो न्यूज होती है आप लोग पढ़ तो लेते हैं, पर लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये आई फैमिलिया करके जो यहां पर आया, तो ये इंटरपोल का है, जिसको इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी आप लोग कई बार जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा उसके डीएनए की हेल्प से, ठीक है। उसका डीएनए जो है उसकी फैमिली के डीएनए से मिल जाएगा, तो फैमिली के डीएनए को मैच कर उस पर्टिकुलर पर्सन को काउंट किया जाएगा। कई बार कई सारे लोग रहते हैं विदेशों में जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको कैसे चेक करना है, तो वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो ये यहां पर याद रखिएगा, ये इसका पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, फीडबैक देकर जरूर जाना। और बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से जो चीजें डिस्कस की हैं, खासकर अगर ये वाला पॉइंट में आप लोगों से बात करूं तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर कोशिश क्या करो कि जैसे जो नैनो मैगजीन आती है ना उसमें आप रिव्यू देते हो पूरे लेक्चर का, तो इसमें भी रिव्यू दे दिया करो कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए यार थोड़ा सा टाइम अगर सेट हो जाए एक बार तो फिर उसके बाद में देखूंगा इसको इंक्लूड करना। एक अच्छा पॉइंट है, एक रिव्यू दिया जा सकता है आर्टिकल पूरे डिस्कशन का कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक डेढ़ मिनट लगती है जल्दी जल्दी, ताकि पता चल जाए। जैसे आज की डेट में हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है, कि क्या क्या है, गुपकर अलायंस के बारे में जाना, इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय मंच के बारे में जाना, ये चल रहा था यहाँ पर डिफेमेशन के बारे में कि यहाँ पर, ठीक है, दो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हमारे बीच में, अफगानिस्तान के ऊपर क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है, ये अर्णब गोस्वामी, तो काफी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार हल्का सा रिव्यू अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को इससे आइडिया रहेगा कि अच्छा ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा कि हाँ एक तरीके से नहीं, एक जल्दी जल्दी अगर रिविजन हो जाए उन चीजों का तो फिर एग्जाम में आप लोगों को चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, अच्छा ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। तो ये मुद्दे हैं यहां पर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए सारे। तो कोशिश करूंगा, चलिए जो भी है आगे से कोशिश करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा बात की जाए, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आज तो ये है बस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, हो गया सारा बातों बातों में दिखा दिया सारा आप लोगों को मैंने, ओके। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।